तो ये कितने टाइम से है मंदिर? तो भाई ये है जोस्टल, आज जाना है ड्यू मोनेस्टी, उसके बाद रामपुर तक अगर पहुंच पाए तो। वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये पीछे मेरा हॉस्टल है और वो व्यू हॉस्टल के पीछे के, सही है ना? ये पड़ा सामान, निकलते हैं यहाँ से ड्यू मोनेस्टी के लिए, उसके बाद शायद टाइम से रामपुर पहुंच जाए। वापस अपन को काजा के अंदर जाना पड़ेगा। ये काजा का मार्केट है, सामने बस स्टैंड काजा का। वापस टॉपअप करवाने देखते हैं कितना तेल आता है। ओ भाई लाइन देख रहे हो, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप। टॉपअप कैश ऑन लेना। हाँ आया है टोटल 500 रुपये का, 4.92 लीटर, 4.90 लीटर है। चलो निकलते हैं। क्या रेट है केले? 100 रुपये दर्जन। 12 केले 100 रुपये के, कितने का हो गया एक केला? 8 रुपये का। 4 केले दे दो, 4 केले। ये राइट साइड में भाई स्पीति रिवर है और क्या प्यारी लग रही है, इसका फ्लो यहाँ तक थोड़ा सा सही है स्पीति रिवर का। ये है स्पीति रिवर, पानी देख रहे हैं कितना साफ पानी है, एकदम ब्लू हो रखा पूरा पानी। और वो ब्रिज, ये रास्ता जाता है पिन वैली को स्पीति रिवर के ऊपर से और ये सीधा जाएगा ताबो को। तो अपन को जाना है ताबो। पानी यार कितना साफ है, नीचे के पत्थर भी दिख रहे हैं भाई यहाँ से कम 2 मिनट रुके हैं भाई इस प्यारे से व्यू को देखने के लिए और 2-4 केले भी खा लेते हैं, हल्के फुल्के चक्कर आ रहे हैं वो सही हो जाएंगे। रास्ता देखो आराम से, वो खड़ी बाइक वहां पे अभी आए नीचे। कितना साफ पानी है यार इसका। ये देखो अंदर के पत्थर भी दिख रहे हैं, ये स्पीति रिवर है। बहुत ठंडा पानी है भाई इसका। मेरा 20 मिनट हो गए भाई यहाँ बैठे हुए स्पीति रिवर पर, अच्छी अच्छी फोटो निकाली और अब निकल रहे हैं वापस ताबो के लिए। एक केला और बच गया, ये खाते हैं फिर निकलते हैं। छिलके हमने वापस थैली में डाल लेंगे, यहाँ नहीं फेंक के जाएंगे, तो ये गंदा नहीं करना है पानी का, सही है ना? चलो निकलते हैं खा के। ये जो अभी केले खाए थे उसके छिलके वापस टांग लिए भाई, कहीं डस्टबिन दिखेगा तो फेंक देंगे। आधा घंटा स्पीति रिवर के पास बिताने के बाद अब निकल रहे हैं वापस ताबो के लिए। ताबो मोनेस्ट्री जाने का इरादा था पर नहीं जाएंगे, सिर्फ ग्यू मोनेस्ट्री जाके फिर निकलेंगे रामपुर के लिए, क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही अपना। अब ताबो के लिए किधर जाना है भाई?
रामपुर, रामपुर के लिए सीधा। अच्छा ये कहाँ जाता है इधर वाला? ये गांव है, दो गांव है। ठीक है ठीक, ओके थैंक यू। तो भाई ब्रिज के ऊपर से नहीं जाना, अपन को इधर से ही जाना है, स्पीति रिवर के पास पास से। स्पीति रिवर भी बोल रही है मेरे साथ चलो तो मैं मंजिल तक पहुंचा दूंगी। पर ये ऑफ रोड भाई रास्ता बड़ा खराब हो गया, ताबो है 20 किलोमीटर यहाँ से। और ये पैच मतलब ताबो और काजा के बीच में ये थोड़ा बहुत रोड है, थोड़ा बहुत पैच टूटा हुआ पैच मिलेगा। ताबो से आगे रोड सही बता रहे हैं, यहाँ से गए नीचा तो सीधा स्पीति रिवर के अंदर। यहाँ खेती के लिए खाद डाल रहे हो? जी जी। और क्या मतलब कौन सी फसल लगाते हो? अभी नहीं, अगले साल के लिए। अभी होगी फसल? अभी होगी। कौन सी? क्लोजिंग हो गया, मटर। मटर लगाते हो आप यहाँ पे? जी। और मैन तो मटर ही है, बाकी जो हरा मटर। हरा मटर बढ़िया, इसी पे ना। और पानी? पानी हल लगाते ना अभी। नहीं पानी कहाँ से डालते हो? ये स्पीति रिवर से? नहीं, इधर नाला है। ये खा सकते हैं? जी हाँ, चोरी करके खा सकते हैं। देखो ये भाई सेव लगे हुए हैं, क्या ही प्यारे हैं। और ये लगे हुए भाई सेव, मैंने तो पहली बार देखे अपनी लाइफ में सेव लगे हुए, इतना बड़ा बागान सेव का। वो भी दो कलर की सेव, हरी और लाल। भाई को सेव तोड़ना है। चोर ने चोरी कर ली सेव। चलो ठीक है, अंदर जाके मालिक से पूछते हैं, थोड़ी बहुत मिल जाएगी तो। ये भाई चारों तरफ सेव लगे हुए हैं, ये नीचे का पूरा बगीचा है सेव का। सेव का बगीचा है नीचे पूरा, टोटल जितना दिख रहा है ना आपको उतना, और वो आगे भी पूरा। यहाँ पे हरे मतलब ना हरे ना पीले, मतलब पीला और हरे का मिक्सचर और लाल दोनों सेव लगे हुए हैं। अभी 5-6 तोड़े हैं यहाँ बाहर से, वो वीडियो में देखा होगा आपने, दीवार के ऊपर से तोड़ लिए 4-5 सेव। ये स्पीति रिवर जा रही है और इसके पास वो सेव का बगीचा बागान लगा हुआ है पूरा, ये पूरा कवर है सेवों से। यहाँ से पो है 84 और रामपुर है 239 और शिमला है 366 366 है शिमला। तो भाई एक मोड़ पे आके रुक गए हैं, सामने लिखा हुआ है ग्यू विलेज। तो और ये जाता है नाको पू और रामपुर की तरफ, तो हमें जाना है सीधा ग्यू विलेज की तरफ। मम्मी देख के आएंगे 500 साल पुरानी। चलो भाई चलो ग्यू विलेज। भैया वो ग्यू वाला विलेज इधर ही है क्या? मम्मी वाला इधर इधर ही? ठीक है भैया सो जाओ आप, सो जाओ भैया, डिस्टर्ब हो गए यार। लोग बोल रहे थे रोड टूटा हुआ है, और ये लग रहा है मुझे अभी लेटेस्ट में बना हुआ। चलो वहां पे जाके मिलते हैं यार, रास्ते में तो वो सेम ही रास्ता होगा, पहाड़ों में सब सेम ही लगता है। चलो ग्यू मॉनेस्ट्री जाके फिर मिलते हैं, मम्मी दिखाते हैं आपको 500 साल पुरानी, जिसके शायद नाखून निकलते हैं अभी तक 500 साल बाद भी। क्या सिस्टम है यार भाई, व्यू चेक करो यार, ये व्यू सामने पहाड़, इधर पानी इधर पहाड़। चल जब ग्यू विलेज के बोर्ड की तरफ एंटर किया था तब तो भाई रोड सही थे, और अब जो रोड देख के फट रही है ना, खराब है भाई, रोड की हालत बहुत खराब है। मुझे लगता है 8 किलोमीटर के लिए कम से कम आधा घंटा लग जाएगा या ज़्यादा ही, क्योंकि दूसरे गियर से तो ऊपर जा ही नहीं, गाड़ी जा ही नहीं रही। बहुत ख़राब रोड है, देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। थोड़ी सी राइट में गई तो नीचे, खड्डे बचाने के चक्कर में ये खड्डे थका देते हैं, इनसे भाई शोल्डर दर्द होने लगते हैं। फिर एक तो स्पोर्ट्स बाइक है,
ऊपर से हम उछले हैं बेचारी को पहाड़ों में, और फिर जो खड्डे दर्द होते हैं ना, ये खड्डे हाय हाय लेने देने वाले हो जाते हैं सिस्टम। पर कोई नहीं, जब शुरू किया है तो ख़त्म भी करेंगे सफ़र को। मुझे लगता है इसको अच्छे से सर्विस करवानी पड़ेगी ले जाके। बेचारी ने जो संघर्ष किया है ना, और जो हमारा साथ निभाया है टूटी फूटी रोडों में, खड्डों में, सर्दी में, रेतों में, नेक्स्ट लेवल भाई। मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था इसको लेके, आई लव इट, प्यार हो गया मुझे इससे। क्या खतरनाक रोड है भाई, पिछवाड़ा भी जवाब देने लग गया अब तो छोड़ दे, बख्श दे भाई हमें। पर हम कहाँ हार मान रहे हैं, हाथों की हालत देखो यार, पूरे वाइट और रेड हो चुके हैं। बस आज का संघर्ष है बस, कल से फिर नॉर्मल हो जाएगा सब, फिर मिस करेंगे पहाड़ों को। और ये हमने चढ़ाई शुरू की है जो कि हमें इधर ले जाएगी। एक लेफ्ट में और कच्चा रास्ता था, वो तो नहीं था। क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं। नहीं यार, फिर से ऊपर जाना है भाई। हमारे पास एरोप्लेन नहीं है, बेचारी बाइक्स को बख्श दो। क्या खतरनाक रास्ता, यहाँ से रह गया 3 किलोमीटर और। भाई लगता है पहुंच गए ग्यू विलेज। अब वो टेंपल कहाँ है भाई, यहाँ ग्यू मोनेस्ट्री, वो पूछना पड़ेगा किसी से भाई। एक बड़ा जोर खा रही है यार, ये रोड बनने का काम तो चल रहा है यहाँ पे, देखो कब तक बन जाती है। वो रही ग्यू मोनेस्ट्री, मिल गई भाई, वो ऊपर शायद वही है, पर वहाँ बाइक नहीं जाती, ये तो एल लगे अपने। होगा वही जो भगवान ने चाहा है, ड्यू जीरो। रोड की हालत तो देखे ना भाई, अभी यार पत्थर लगा पैर के, इतना गंदा वाला। वेलकम मम्मी रोड, ड्यू पोस्ट, वेलकम मम्मी रोड। 1 किलोमीटर है मम्मी रोड, क्या लिख रखा है, वेलकम मम्मी रोड। यहाँ भी आपको होम स्टे और होटल मिल जाएंगे भाई, आजकल सब जगह मिल जाते हैं होम स्टे और होटल। भाई बाइक की लेनी देनी हो रही है, इतना जोर खा रही है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। कहाँ है भाई रास्ता, मे बी वो आगे से हो, चलो देखते हैं। ओ भैंस की टांग, अब चढ़ाई करनी होगी। चढ़ाई, यहाँ एक चेक पोस्ट है पर कोई नहीं बैठा, तो ऊपर जा रहे हैं हम। तो ये आ गया भाई ग्यू मॉनेस्ट्री, और क्या प्यारी लग रही है भाई। हाँ बाइक को खड़ी करते हैं और चलते हैं। पर्ची, हाँ जी, टिकट लगी आप ना, किस चीज़ की सर? दर्शन करने का, 1% का 30 रुपीज़ है, स्टेशन में यूज़ कर रहे हैं ना। अच्छा आप यहीं से हो, ग्यू विलेज से? हाँ ग्यू से हूँ मैं।
कहाँ से आप? क्या नाम है आपका? तंजिन भाई। एक पर्सन की टिकट है 30 रुपये, 2 की 60, नॉट बैड। ऐसी जगह में इतना अच्छा बना रखा है वो भी बहुत बड़ी बात है। लीजिए सर। ठीक है, ठीक है सर। ये यहाँ की टिकट है और ये मोनेस्ट्री, बहुत सही है। चलो 30 रुपीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनेस्ट्री एंड अभी। और ये भैया ने खुद मतलब पूरे गांव वालों ने मिलके बनाया है। पर अभी आपने क्या स्लिप पर मतलब स्टार्ट किया है ना, टोकन सिस्टम? टोकन सिस्टम फॉर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए ना। कितना टाइम हो गया रिपेयरिंग ये टोकन सिस्टम स्टार्ट किए हुए? ये अभी वो 2-4 महीने। 2-4 महीने नहीं, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 रुपए देने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिज्म के एसोसिएशन का ये बोला कि आप हम देना चाहते हैं। हाँ, और वैसे कि हम लेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं, पर आपने ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं वो ये बाहर से, नेपाल से आते हैं? अच्छा, नेपाल से आते हैं कारीगर, स्पेशल बाहर नेपाल से आते हैं। ये इनको बचपन से सीखना पड़ता है ये चीज़ें ना जी। और कितने क्या रुपए लेते हैं वो पर डे के हिसाब से? पर डे इनका डीआरडी रहता है 1200-1500 रहता है। 1200-1500 रुपये, बहुत महंगा है फिर तो। स्पेशल काम भी बहुत बारीकी है। हाँ हाँ, ये तो दिख रहा है ना, बहुत काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लोगों से बनेगा भी नहीं। बहुत बचपन से सीख गए इनका ना जी, बहुत बहुत सही बनाया हुआ है ये गोमोनिस्ट। अच्छा, अंदर भी है क्या? अंदर है। चलो अभी अंदर चलते, पहले यहाँ से मम्मी दिखाता हूँ आपको। ये मम्मी के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो मम्मी के बारे में। और रिमूव योर शूज, तो भाई जूते खोलते हैं और चलते हैं अंदर। ये है वो मम्मी, ये बुद्धा का स्टेचू, किसी चीज को टच नहीं करना है। ये मम्मी, इनके क्या दांत आते हैं क्या या नाखून? दांत नाखून कुछ नहीं, जो है नेचुरल वही है, इनके दांत नाक और बाहर कुछ नहीं आते। नहीं, कोई बोल रहे हैं कि नाखून आते हैं इनके, दांत आते हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, वो मीडिया में ऐसे हवा बनाई हुई है, हवा चल पड़ी। नहीं, ये एक्चुअली में जो है जैसे है, नाखून काटने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल भी नहीं पड़ते जैसे है वैसे ही है। हाँ, कोई मतलब बोल रहा था कि इनके ना कि नाखून वगैरह बाल वगैरह आते हैं शायद। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो पहले से ऐसे ही है, ना नाखून आते हैं ना बाल और ना दांत, जो पहले से हैं वो वैसे ही जो है नेचुरल उसी में है ना, और हमने लेप लगाई ना दवाई डालो। अच्छा, जो नेचुरल है वैसे ही है ना? नेचुरल वैसे ही है। तो ये कितने टाइम से है मंदिर यहाँ पे? ये 1980 में भी बता रहे हैं, 1980 से मिले बोलो, उसके बाद से ही है। अच्छा, ये 1980 से है। तो चलो अंदर से भी दिखाता हूँ यार आपको कैसा है। ऐसा बनाओ भाई, बहुत पैसा लगता है बनाने में। और ड्रैगन का मुंह बना हुआ दोनों ये रहे। और अंदर भी कुछ ये बता रहे हैं कि मूर्तियाँ भी बनी हुई है। मम्मी वाला तो उस साइड रह गया पोर्शन जहाँ बाइक खड़ी है, ये अंदर मूर्ति वगैरह बनाई हुई है। क्या प्यारा बना रखा है यार अंदर, कलर करेक्शन, जो कलर का काम हो रखा है वो। और ये मूर्ति, ये किन का है मूर्ति? गुरु पद्म संभो। अच्छा, ये वही है क्या जो गुरु पद्म संभो? ये बनाते किससे, सीमेंट से? ये मिट्टी होती है एक तरह का। अच्छा, स्पेशल लाल मिट्टी टाइप का ना, वो स्पेशल बनाने आते हैं वो बनाते हैं। अच्छा, मिट्टी का है ना पूरा, बहुत सही बनाया हुआ है। और हाँ, और बहुत, और कलर का जो कलर बनाया हुआ ना ऊपर, वो भी बहुत अच्छा किया हुआ है। कलर भी रेड येलो, बहुत सही कलर है। बाइक में टाइम हुआ है 2:44 और मोबाइल में टाइम बताना कितना हुआ है? मोबाइल में हुआ है भाई 5:14 आईफोन में देखो, और इसमें टाइम हुआ है 2:44। जो अपना इंडिया का टाइम है वो है 2:44। अभी हम चाइना बॉर्डर पे हैं तो चाइना का टाइम है 5:14, तो शायद 2 घंटे आगे चल रहा है ना, 1.5 घंटे। तो चाइना का टाइम आ रहा है यार मोबाइल में, चाइना बॉर्डर के पास है। ग्यू विलेज है ना? हाँ, ग्यू विलेज में, जो कि चाइना बॉर्डर के बहुत पास है। और इसमें है ना एकदम चाइना वाला टाइम पकड़ रहा है यार मोबाइल। और चलो निकलते हैं हम यहाँ से, 3 बजने वाले, रामपुर पहुँचते पहुँचते 8-9 बज जाएंगे। भाई ये जो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ये, और ये पहाड़ इनके पीछे है चाइना। और ये 40 किलोमीटर का जो एरिया है वो चाइना ने कवर कर रखा है, मतलब कब्जा कर रखा है 40 किलोमीटर का एरिया। उसके बाद आता है हानले और डैम चौक, वो इनके 40 किलोमीटर के एरिया के बाद है।
और घड़ी में अभी भी टाइम भी चाइना वाला आ रहा है। ये चाइना के इन पहाड़ों के पीछे चाइना है, तो एकदम हम चाइना बॉर्डर के ऊपर है। मैं लोकेशन का स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा और देखना आप, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर भी नहीं होगा चाइना बॉर्डर। चलो, सांस फूलने लगी यार इतनी ऊंचाई पे, निकलते हैं यहाँ से। और ये क्या प्यारा लग रहा है यार, ग्यू मोनेस्ट्री। यार हवा बहुत तेज चल रही है, यहाँ पे ITBP के बंकर बने हुए हैं, तो उन सर ने सारा कुछ बताया कहाँ तक चाइना का लैंड है, कहाँ तक अपना इंडिया का है। जो टेलीस्कोप होता है उससे भी देखा सामने चाइना वाले पहाड़। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो नहीं बना पाया उनके साथ, पर काफ़ी देर बातें की उनसे, सब कुछ बताया उन्होंने। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री से। भाई टाइम हो गया 3:04, 5 मिनट मोबाइल में टाइम आ रहा है 5:30 चाइना वाला। तो निकलते हैं यहाँ से चाइना वाले पहाड़ों को बाय करते हुए और जाके। अब ये रोड बहुत गंदा है यार, कोई अच्छा रोड मिलेगा तब थोड़ी देर रुकेंगे 10-15 मिनट, फिर वापस खींचेंगे यार। रामपुर पहुँचना है आज। सो यहाँ से चाइना बहुत पास है यार, और हवा बहुत ठंडी चल रही है अभी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है।